नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, वर्ष 2019 में सरकार द्वारा नए अधिवक्ताओं को 15,000 रुपये देने की घोषणा की गई थी। सरकार द्वारा अपने वादे को पूरा करते हुए वर्ष 2020 से अधिवक्ताओं को 15,000 रुपये देने की शुरुआत कर दी गई है और सरकार द्वारा सहायता राशि देने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि को पाने के लिए योग्यता क्या है एवं अधिवक्ताओं को आवेदन कहां और कैसे करना होगा, जिससे सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन की कम्प्लीट प्रोसेस और बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित सभी वकीलों के लिए अनिवार्य परीक्षा ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम अर्थात AIBE से रिलेटेड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और AIBE एग्ज़ाम के पिछले 10 वर्षों के क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेज में सोल्यूशन के साथ हमारे यूट्यूब चैनल जुडिशियल एंड ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम्स में उपलब्ध हैं। ऐसी सभी वीडियोज़ को पाने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करके हमें बताएं, जिससे सभी वीडियोस के लिंक आपको हम भेज सकें। तो दोस्तों, कुछ लोगों को वीडियोज में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो ऐसे लोगों के लिए चैनल में मेंबरशिप का ऑप्शन है, तो ज्वाइन बटन का यूज करके आप चैनल की मेंबरशिप ले सकते हैं। हम अपने मेंबर्स को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऑन डिमांड मोबाइल कॉल करके भी अवेलेबल कराते हैं। तो चलिए, आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सरकार द्वारा नए अधिवक्ताओं को दी जाने वाली 15,000 रुपये की सहायता राशि 5,000 रुपये के 3 भागों में दी जाएगी। सहायता राशि पाने के लिए आवेदन हेतु एक अधिवक्ता में कुछ योग्यताएं मांगी गई हैं, वो होनी चाहिए। तो देखते हैं, सबसे पहले आवेदन के समय अधिवक्ता की अधिकतम उम्र 28 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। दूसरी क्या है कि अधिवक्ता यूपी बार काउंसिल का सदस्य होना चाहिए, अर्थात LLB डिग्री पास करने के बाद बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तीसरी जो शर्त रखी गई है, आवेदन वर्ष के माह जनवरी की 1 तारीख को बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में अपनी सदस्यता की कम से कम 1 वर्ष की अवधि पूरा कर लिया हो। इन सभी योग्यताओं को रखने वाले अधिवक्ता ही सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता राशि के लिए पात्र होंगे। नए अधिवक्ताओं को 15,000 रुपये का भुगतान सरकार द्वारा ई पेमेंट के माध्यम से किया जाएगा। इस राशि को पाने के लिए नए अधिवक्ताओं को बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश में रजिस्ट्रेशन कराते समय ही अपनी बैंक खाते की जानकारी और आधार कार्ड देना होगा। इस सहायता राशि को पाने के लिए अलग से कोई फॉर्म नहीं भरना होगा आपको। सभी एलिजिबल एडवोकेट्स का डेटा बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा गवर्नमेंट को भेजा जाएगा। जिन्होंने 9 मार्च 2019 से 8 मार्च 2020 के बीच यूपी बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराया है और निर्धारित योग्यता रखते हैं, तो उन्हें 5,000 रुपये की पहली किस्त 9 मार्च 2020 को मिल जाएगी। जिन लोगों ने अपनी बैंक खाते से संबंधित जानकारी बार काउंसिल में नहीं जमा कराई है, वे अवश्य जमा करा दें, अन्यथा इस राशि को पाने के लिए वो वंचित रह जाएंगे। 8 मार्च 2020 के बाद रजिस्ट्रेशन कराने वाले अधिवक्ताओं को यह राशि अगले वित्त वर्ष में दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमारे द्वारा जो आपको जानकारी दी गई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।